मऊ के मध्य भारत अस्पताल में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए एंटीजन टेस्ट की शुरुआत की गई है। इस टेस्ट से 25 मिनट में रिपोर्ट का पता चल जाएगा। एंटीजन टेस्ट की शुरुआत मध्य भारत अस्पताल में हो गई है। इसमें 36 टेस्ट में से 16 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन लगातार नए नए तरीके अपना रहा है। अब एंटीजन टेस्ट की शुरुआत की है। यह टेस्ट मध्य भारत अस्पताल में हो रहा है। इसमें कोरोना संक्रमण की आशंका के चलते जांच कराने वाले मरीज का टेस्ट किया जा रहा है। वहीं 25 मिनट में ही उसे रिपोर्ट दे दी जा रही है। इस टेस्ट के चलते अब मरीजों को पूर्व की तरह टेस्ट की रिपोर्ट के लिए 3 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मऊ से अंजित मोनू बाथम की रिपोर्ट। तहसील में कोरोना आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। रोजाना 20 से 22 के शहर में निकल रहे हैं। शहर तहसील से ही फिलहाल सिविल अस्पताल मऊ में जो है कि 25 मिनट में आपको कोरोना की रिपोर्ट आ जाएगी, जो कि 3 दिन में आती थी। एंटी रविश करके इस ट्वीट का नाम है। हमारे साथ यहाँ मौजूद है अस्पताल प्रभारी वर्मा जी, उनसे बात करते हैं। सर, क्या खासियत रही थी इस ट्वीट की? इस किट की ये खासियत है कि जैसे हम पहले जो RT-PCR सिस्टम से जो कर रहे थे ये सारे पेशेंट्स की टेस्टिंग, वो टेस्टिंग 2-3 दिन में आती थी और 2-3 दिन का टाइम सीरियस पेशेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है। प्रशासन ने अभी एक ये नई सुविधा चालू करी हुई है कि जिसके अंदर एंटीजन मेथड से कोरोना की जाँच करें। एंटीजन मेथड एक कार्ड होता है जो कि 15 से 20 मिनट के अंदर ये इसका रिजल्ट आ जाता है। और 15 से 20 मिनट के अंदर अगर रिजल्ट अगर आ जाता है तो हमें एकदम इमीडिएटली डिसाइड करना पड़ता है कि पेशेंट के साथ में हमको क्या करना है। एकदम जैसे पॉजिटिव आ गया तो उसका उसी समय हम उसको ये डिसाइड कर लेते हैं कि क्यों पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट करें। कितने टेस्ट हो रहे हैं सर अभी? ये अभी 3 दिन पहले थे। जैसा कि सर बता रहे कि 3 दिन पहले से ही इस सुविधा का शहरवासी और तहसील के लोगों को लाभ मिलेगा। कैमरा पर्सन राहुल शर्मा के साथ अंजित मनोबाथम, नाइट टीवी।